यूपी भ्रष्टाचारी को आप नहीं छोड़ेंगे। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में नरेंद्र मोदी ने शामिल कर लिया। कर लिया कि नहीं कर लिया? अजीत पवार पे 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। किसके साथ है अजीत पवार? छगन भुजबल किसके साथ है? हसन मुशरिफ किसके साथ है? जनार्दन रेड्डी किसके साथ है? अशोक चौहान किसके साथ है? नारायण राणे किसके साथ है? मुकुल राय किसके साथ है? शुभेंदु अधिकारी किसके साथ है? हेमंत विश्व शर्मा किसके साथ है? येदुरप्पा किसके साथ है? और आपके क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं, नवीन जिंदल किसके साथ है, बताओ भाई। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं और उनकी मुसीबतें कम होंगी या नहीं, ये कल पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से संकेत मिल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, ऐसे में माना जा रहा है आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से अस्वस्थ दिखाई दे रही है और जनता में भी इस बात की आशंका है कि अरविंद केजरीवाल को कल राहत मिल जाएगी। और वैसे भी जब से कोर्ट ने ये बात कही है कि हो सकता है हम अंतरिम जमानत के लिए विचार कर सकते हैं, वैसे में उम्मीदें और भी बढ़ गई। लेकिन क्या वाकई में उनको जमानत मिलेगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ तनुज मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि तनुज, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का ये पूरा मामला फैला है, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह इतने दिन जेल में रहकर आए हैं, आपको क्या लगता है कि ईडी और सुप्रीम कोर्ट इतनी जल्दी केजरीवाल को राहत दे देगा? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं जो आप बोल रही हैं कि संकेत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिलते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बोला कि हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी जाए। मैं आपको बता दूं, देखिए अभी तक ईडी एक बार भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई ऐसे पुख्ता सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पाई है जिस पर कोर्ट विवश हो कि उनको जेल में रखा जाए। अब ऐसे में ईडी समय मांगती है और समय लेते लेते देखिए ईडी को काफी समय हो गया। और अरविंद केजरीवाल, माही आप सभी को पता है कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, और एक मुख्यमंत्री को जेल में डालना और इस तरह से कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर बड़ा संदेह डालता है। दूसरा प्लस पॉइंट अरविंद केजरीवाल जी के साथ ये भी आ रहा है कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और एक नेता के लिए चुनाव आप सभी को पता है कि कितना मायने रखते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव को देखते हुए शायद सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को कल अंतरिम जमानत दे दे, क्योंकि अभी तक ईडी की तरफ से इसको लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, कोई भी पुख्ता सबूत सामने नहीं आए हैं। और मैं आपको बता दूं, ईडी बार बार बस ये आरोप लगाती है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होते हैं तो वो सबूत मिटा सकते हैं। तो ऐसे में अगर वो बार बार इसी बात को रखती आएगी तो शायद देखिए कोर्ट भी उनकी इस बात को बार बार नहीं सुनेगा, क्योंकि एक टाइम जरूर ऐसा होगा कि ईडी को सबूत पेश करने पड़ेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक सिटिंग मुख्यमंत्री हैं। आप किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को बिना सबूतों के एकदम से इस तरह से जेल में नहीं डाल सकते। हाँ, एक बात मानी जा सकती है कि अरविंद केजरीवाल की गलती थी कि ईडी ने उनको 7 समन भेजे, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ने उनके समन को इग्नोर करा, उसमें आम आदमी पार्टी की गलती है और उसको सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी था अरविंद केजरीवाल जी से कि आप क्यों नहीं गए। अब ऐसे में इस बात को बार बार मुद्दा बनाकर ईडी देखिए अरविंद केजरीवाल को ज्यादा समय तक जेल में नहीं रख पाएगी। और मुझे जिस तरह की उम्मीद लग रही है, जिस तरह के संकेत मिलते नजर आ रहे हैं सूत्रों से कि कल अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल जाएगी। जी बिल्कुल, अगर ऐसे में अंतरिम जमानत मिलती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अभी बिखरते हुए नजर आ रही है, उसको समेटने के लिए अरविंद केजरीवाल का बाहर आना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हो गया है। और जिस तरीके से ईडी ने पूरा अभी कोई सबूत नहीं उनके ऊपर पेश किया है, ना कि अभी सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई दलील दी है जिससे ये साबित हो जाए कि अरविंद केजरीवाल दोषी हैं। लेकिन तनुज, ये सवाल खड़ा होता है कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल से बाहर आ जाते हैं तो क्या उनके ऊपर कोर्ट किसी शर्त के साथ उनको बाहर भेजेगा, या फिर चुनाव प्रचार में वो एक्टिव हो पाएंगे, या जिस तरीके से पूरा सिंपैथी एक गेम चल रहा है जनता का वोट पाने के लिए, तो किस तरीके से पूरा सिनेरियो बनाते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के साथ सिंपैथी तो है इस बात का, देखिए सभी को पता है, और चुनाव प्रचार तो वो करेंगे ही, और कहीं ना कहीं उनको अधिकार भी है देखिए इस चीज का, क्योंकि वो किसी उसमें कोई आरोपी नहीं है, सिर्फ उनकी पार्टी और उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि आपने एक शराब घोटाला किया था और इसमें बड़ा एक पैसों का बड़ा लेन देन हुआ था और घपलेबाजी के साथ, और आपने उसमें गोवा का चुनाव लड़ा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगे हैं, लेकिन वो अभी कोई आरोपी सिद्ध नहीं हुए हैं। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट उनके चुनाव प्रचार पर रोक तो नहीं लगा सकता, और अरविंद केजरीवाल जी के साथ सिंपैथी है, वो अगर कोर्ट से निकलेंगे तो सबसे पहले आप देखिएगा कि कितने एक्टिवली वो बिल्कुल चुनाव प्रचार करेंगे, और इसका फायदा पूरे इंडिया गठबंधन को जरूर मिलेगा और आम आदमी पार्टी को
तो इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा ही। और अरविंद केजरीवाल की एक्टिव तो आप जो एक्टिवनेस शुरुआत से देखने को मिली है, किस तरह से वो चुनावों में एक्टिव रहते हैं। सबसे पहले वो ऐसे नेता हैं इंडिया गठबंधन के जिन्होंने लोकसभा 2024 के चुनावों में शुरुआत से ही देखिए प्रचार करना शुरू कर दिया था। और दिल्ली की जो जनता है, शायद यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ कनेक्ट रहती है। तो अरविंद केजरीवाल जी एक्टिव तो नजर आएंगे, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। जी बिल्कुल तनुज, अरविंद केजरीवाल एक्टिव नजर आ सकते हैं, लेकिन एक बयान है जिसका जिक्र बार बार कोर्ट में हुआ। जब कोर्ट में केजरीवाल की सुनवाई चल रही थी तो वहां पर संजय सिंह का जिक्र आता है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि संजय सिंह की जो मुश्किलें हैं वहां पर कोर्ट में उनका जिक्र होना, कि संजय सिंह बाहर जाकर लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, चाहे वो ईडी के खिलाफ हो चाहे वो बीजेपी के खिलाफ हो। इस तरीके के जिस तरीके से उनको मना किया गया था कि आप बाहर जाएंगे, किसी भी तरीके की बयानबाजी अपने केस से रिलेटेड नहीं करते हुए नजर आएंगे, तो संजय सिंह का भी जिक्र हुआ है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि अब संजय सिंह पर भी शिकंजा कसा जा सकता है, जिस तरीके से वो पूरा माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं चुनावी? देखिए चुनावी माहौल तो माही बनाते हुए नजर आ रहे हैं, उस बात में कोई दोहराए नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती आप ये भी तो देखिए कि उनसे उस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अब जब सवाल पूछे जाएंगे तो जवाब देना पड़ेगा ना। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि कोर्ट से मना किया गया था कि आप अपने केस से रिलेटेड कोई भी बात नहीं कर सकते, लेकिन आप केंद्र में बैठी सत्ता पार्टी पर हमला जरूर कर सकते हैं कि अगर आपको उन पर शक है कि उन्होंने आपके लिए पूरा ये शिकंजा बिछाया है। और आम आदमी पार्टी तो देखिए शुरुआत से ही ईडी और सीबीआई को केंद्र सरकार का बिल्कुल कहना मानने वाली एक एजेंसी कहती है, उसको कोई भी केंद्र जांच एजेंसी मानती नहीं है। आम आदमी पार्टी उसको बताती है वो मोदी सरकार की वो एजेंसी है। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, ईडी पर हमला बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो केंद्र में बैठी पार्टी को अपने झांसे में फंसाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली कि उन्हें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी संजय सिंह को ये बात समझनी चाहिए, कोर्ट से सिर्फ उनको जमानत मिली है, कोई वो बिल्कुल रिहा नहीं हो गए हैं, अभी उनको कुछ कंडीशन के साथ जमानत मिली है। अगर वो इस तरह की हरकतें करते नजर आते हैं, कोर्ट के जो रूल्स है रेगुलेशंस है उनका उल्लंघन करते नजर आते हैं, कोर्ट ने जिन कंडीशंस को रखा था उस बाउंड्री को वो क्रॉस करेंगे, तो कहीं ना कहीं को ईडी एक मजबूत पॉइंट के साथ कोर्ट में जा सकती है, कोर्ट में अपनी बात को रख सकती है और दोबारा संजय सिंह को देखिए गिरफ्तार भी किया जा सकता है। तो संजय सिंह को इस बात को समझना चाहिए कि लोकसभा 2024 का चुनाव अलग बात है और ये जो मामला चल रहा है शराब घोटाला, ये एक अलग केस है। आप केंद्र में बैठी बीजेपी पार्टी पर हमला जरूर करें, लेकिन बार बार आप अपने केस को लेकर बीच में ना आए, क्योंकि फिर शायद आप कहीं ना कहीं मुश्किलों में पड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, अब संजय सिंह जिस तरीके की बयानबाजी लगातार करते हुए नजर आते हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। पहले आप ये वीडियो देखिए किस तरीके से संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला है। दिल्ली के 3 बार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आपके हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। मैं पूछना चाहता हूँ क्या गुनाह है अरविंद केजरीवाल का? ये कि वो आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करते हैं, ये कि वो माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा करते हैं, ये कि उन्होंने दिल्ली में फ्री बिजली किया, फ्री पानी किया, फ्री शिक्षा किया, फ्री स्वास्थ्य किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई और आज 1,000 रुपए प्रति माह महिलाओं को देने की स्कीम लाने वाले अरविंद केजरीवाल को उठा के जेल में डाल दिया। जेल का जवाब किससे देना है? किससे देना है? किससे देना है? अरे उस आदमी ने IRS की नौकरी को लात मार दिया, 49 दिन की मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दिया। आज कहते हो केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो। इस्तीफा मांगना है बीजेपी के लोगों तो मांगो इस्तीफा मणिपुर के CM से, जिसके राज में कारगिल के योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया। उस कारगिल के योद्धा ने कहा, मैंने भारत माता की रक्षा के लिए कारगिल का युद्ध लड़ा, मैं भारत माता की रक्षा कर पाया, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। 1 साल से मणिपुर में हिंसा चल रही है, इस्तीफा मांगना है तो मणिपुर के CM का इस्तीफा मांगो। इस्तीफा मांगना है तो अजय मिश्रा टेनी के बेटे, जिसने 4 किसानों को कुचल के मार दिया, वो देश का गृह राज्य मंत्री है, उसका इस्तीफा मांगो। इस्तीफा मांगना है तो हरियाणा की हमारी पहलवान बेटियों का जो अपमान हुआ है दिल्ली के अंदर, उस पे कार्रवाई करने का काम करो। इस्तीफा मांगना है तो आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनका इस्तीफा मांगो। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, मैंने कहा मोदी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक भी भ्रष्टाचारी को आप नहीं छोड़ेंगे, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में नरेंद्र मोदी ने शामिल कर लिया।
कर लिया कि नहीं कर लिया। अजीत पवार पे 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, किसके साथ है अजीत पवार? छगन भुजबल किसके साथ है? हसन मुश्रिफ किसके साथ है? जनार्दन रेड्डी किसके साथ है? अशोक चौहान किसके साथ है? नारायण राणे किसके साथ है? मुकुल राय किसके साथ है? शुभेंदु अधिकारी किसके साथ है? हेमंत विश्व शर्मा किसके साथ है? येदुरप्पा किसके साथ है? और आपके क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं नवीन जिंदल किसके साथ है, बताओ भाई, बताओ आप। जिनके ऊपर आप आरोप लगाते हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। सबसे ज्यादा तो कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, गली गली में कोयला बांट रहे थे, आजकल कोहिनूर बांट रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। दुखी है, कैसे मुंह दिखाएं, किस नाम पे वोट मांगे। तो इसलिए बीजेपी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। तो देखा आपने किस तरीके से संजय सिंह बीजेपी के ऊपर वार पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे में क्या वाकई में उनकी गिरफ्तारी फिर से हो सकती है? जिस तरीके से कोर्ट में उनके नाम की चर्चा हुई है, ऐसे में माना जा रहा है कि संजय सिंह की जो मुश्किलें हैं वो फिर से बढ़ सकती हैं। फिलहाल आपके इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट9 न्यूज।